हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया आपके सामने एक और बिल्कुल फ्रेश और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, जहां पे आज जो अनबॉक्सिंग होने वाली है वो बिल्कुल एक ट्रेंडिंग स्मार्टफोन की होने वाली है। एक बजट सेगमेंट में है, अंडर 20,000 रेंज में आ जाता है, कमाल का है। तो वो आ जाता है हमारा रियलमी की तरफ से, रियलमी का 8S, जो कि कमाल का एक बजट सेगमेंट फोन देखने को मिल जाता है। तो ये है इसकी रिटेल पैकेजिंग। आज की वीडियो हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स में क्या क्या कंटेंट करा है और साथ में जानेंगे फोन में कंपनी ने क्या क्या फीचर्स लोड करके दिए हैं आपके लिए। सबसे बेस्ट फीचर्स देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है, तो सब कुछ हम जानेंगे डिटेलिंग में इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट कर दीजिए उस लाल के बटन को भाई, फटाफट से ग्रे कर दो और साथ ही बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे के अपडेट्स आपको फटाफट से मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये आप देख सकते हैं इसकी रिटेल पैकेजिंग, जहाँ पे हाइलाइट्स हमें देखने को मिल जाता है। मॉडल नंबर दिया गया 8S 5G, रियलमी की ब्रांडिंग है और ये कमाल की दो सील्स देखने को मिल जाती है, जिससे कि फोन आपका सेफ हो जाता है कहीं भी कोई थेफ्ट वगैरह से को लेकर, या सील ब्रोकन ना हो। और साइड में ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ऊपर की तरफ में पीछे में हाइलाइट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका जो प्रोसेसर हो गया वो है हमारा डायमेंसिटी का 810 5G प्रोसेसर है, तो ये कमाल चीज़ है। और 33 वॉट का सुपर डार्ट चार्ज है, बैटरी वगैरह है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा वगैरह है और 90 हर्ट्ज का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है। तो सारी डिटेलिंग हमें देखने को मिल जाती है, बाकी नीचे प्राइसिंग की डिटेल है और साथ में जो है कलर्स की डिटेल देखने मिल जाती है, जो कि है यूनिवर्सल ब्लू देखने मिल जाता है। तो फटाफट से करते हैं हम इसको ओपन, और ये रहा हमारा चाकू जिससे हम करेंगे इसको ओपन। तो इसको करते हैं क्लियरली यहाँ से कट, जिससे कि ये इजीली जो है ओपन हो जाएगा और फटाफट से देख लेंगे जो है क्या हमें कंटेंट वगैरह दिया गया है। तो ये हो गया फटाफट से ओपन और ये हमने हटा दिया पैक को। अब हम इसको करते हैं अनबॉक्स, तो फटाफट से लिफ्ट करते हैं बॉक्स को और बहुत ही स्मूथली जो है बॉक्स नीचे वाला जो है नीचे जा रहा है और ज़्यादा जा रहा है भाई, चला जा नीचे जल्दी से। हाँ, ये हो गया। सबसे पहले हमें लिखा गया है कि हे वेलकम टू रियलमी फैमिली, रियलमी की ब्रांडिंग है। सबसे पहले हमें पैम्पलेट जो दिया गया उसमें हमें जो है शायद केसेस देखने को मिल जाते हैं, तो जी हाँ वही वो दो ठू पन्ने की गाइड हमें देखने को मिल जाती है और साथ ही ये सस्ता सा जो है टीपीयू केस देखने को मिल जाता है, जो कि समय के साथ साथ जो है अपना रंग बदलता रहता है। और साथ ही सिम चेकिंग टूल शायद हमें नीचे देखने को मिलेगा। उसके साथ में अब हम निकाल लेते हैं इस फ़ोन को, तो फ़ोन को रखते हैं साइड में और सबसे पहले नीचे देखते हैं। तो नीचे हमें जो है अडेप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि है आपका ऑलमोस्ट 33 वॉट का जो है सुपर डाटा अडेप्टर देखने को मिल जाता है, जो कि 33 वॉट मैक्सिमम चार्जिंग सपोर्ट करता है। और साथ ही जो हमें ये केबल देखने को मिल जाती है, जो कि जाहिर सी बात है टाइप सी केबल ही हमें देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो जी हाँ, ये हमें टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है। उसके साथ में हमें जो है ये सिम इजेक्टिंग टूल्स देखने को मिल जाता है, बाकी बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो सब कुछ हटाते हैं साइड में और अब हम आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट पे, जो कि है हमारा फ़ोन रियलमी 8S। तो ये सब रखते हैं साइड में, सब हटा देते हैं और अब हम आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट रियलमी 8S पे, जो कि सबसे पहले हम इसको करते हैं अनरैप। और अनरैप करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर से करना अगर इंटरेस्टिंग लग रही हो तो। और साथ ही अब हम करते हैं इसको स्टिकर को रिमूव कर देते हैं और इसके बाद जो है अब आप इसका लुक देख सकते हैं, कंप्लीट लुक बहुत ही कमाल का मज़ेदार सा एकदम क्लीन फिनिश जो है। यूनिवर्सल ब्लू कलर है, एक इसमें और भी कलर आते हैं यूनिवर्सल पर्पल, तो वो ये हमें दो कलर देखने मिल जाते हैं, बट ब्लू जो है सच में बहुत अमेजिंग है। कैमरे का सेटअप हमें नॉर्मल देखने को मिल जाता है, जो कि ये जो सेटअप है वो है ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। लगेगा आपको क्वाड कैमरे का सेटअप है, बट ये कम्प्लीटली ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है। उसके साथ में हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो ये वही 20-20 रुपये वाले दो और कैमरे लगा दिए गए हैं ट्रिपल कैमरे का सेटअप बनाने के लिए। तो ये है इसका कैमरे का सेटअप, एलईडी फ्लैश वगैरह देखने मिल जाती है, छोटी सी ब्रांडिंग देखने मिल जाती है जो कि अच्छी लगती है, बट जो वो रियलमी में जो डेयर टू लीप करके इतना बड़ा बड़ा ब्रांडिंग आता है वो थोड़ा सा ऑड लगता है। बाकी ये है इसका कुछ आउटर लुक। राइट साइड की देखा जाए तो राइट में हमें जो है ये फिंगरप्रिंट स्कैनिंग देखने मिल जाता है, उसके साथ में ऑन एंड ऑफ का ये बटन जो है कंबाइन दोनों एक साथ देखने को मिल जाता है। ऊपर में सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि सिम ट्रे जो होगी आपकी डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट के साथ में हमें देखने को मिल जाएगी। उसके साथ में हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन्स देखने को मिल जाता है और नीचे की तरफ देखा जाए तो 3.5 mm जैक दिया गया है, तो जिसके लिए थम्स अप है। और साथ ही स्पीकर के ग्रिल है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और जो है माइक्रोफोन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो ये है कि जिसके आउटर स्पेक्स वगैरह, तो इसको हम करते हैं फटाफट से ऑन। तो ये हो चुका है फोन कंप्लीटली बूट और अब हम मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ तो जो इसका डिस्प्ले देखने मिल जाता है वो है हमारा 6.5 इंच का एक
IPS LCD डिस्प्ले है, बट जो रिफ्रेश रेट दिया गया है वो है हमारा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो वो बहुत ही कमाल की चीज है कि आपको बहुत ही ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ सा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही IPS LCD डिस्प्ले है तो कॉम्बिनेशन ओके हमें देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस जो हमें हाईएस्ट 600 निट्स की देखने को मिली जाती है। उसके साथ में जो है इसमें जो फीचर्स वगैरह है जैसे कि आपका सेल्फी कैमरा वगैरह देखने को मिल जाता है, तो वो हमारा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी कुछ शॉट्स वगैरह आपको सामने देखने को मिली जाएंगे। साथ ही अब हम बात करते हैं इसके जो इनबिल्ट पावर की मैं बात करूं, तो जो इसका इनबिल्ट पावर वगैरह दिया गया है वो मेन जरूरी होता है इस फोन के लिए, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो फटाफट चलते हैं अबाउट फोन सेक्शन में, जहां पे आप देख सकते हैं हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जा रहा है। उसके साथ में जो है जो प्रोसेसर दिया गया है वो है Dimensity 810 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और जो रैम है वो बूस्टिंग है अप टू 3GB, मतलब टोटल 11GB रैम देखने को मिल जाता है, जो कि आप 3GB एक्स्ट्रा बूस्ट कर सकते हो, तो वो हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही जो स्टोरेज जो ये वेरिएंट है वो हमारा 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेसर है जो जीपीयू में देखने को मिल जाता है वो है माली G57 हमें देखने को मिल जाता है। तो प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा दिया गया है, और ये एक 5G प्रोसेसर है, तो मतलब आज के टाइम पे हालांकि 5G का भी कोई दूर दूर तक कुछ पता नहीं चल रहा है कब 5G आएगा, हालांकि 4G ढंग से चल तो पा नहीं रहा है, 5G का ही पूरा हल्ला हो रखा है और फ़ोन पता नहीं क्या लाख फ़ोन बिक चुके हैं 5G के नाम पे ही। तो हालांकि ये जो है 5G फ़ोन हो जाता है, और साथ ही जो है प्रोसेसर बहुत ही अच्छा देखने में मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर दिया गया, फास्ट प्रोसेसर है, एक बजट सेगमेंट में आ जाता है। प्राइसिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और साथ ही जो स्टोरेज है वो UFS 2.1 बेस्ड स्टोरेज देखने को मिल जाती है, तो मतलब जैक है, फीचर्स जो है बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाते हैं। साथ ही जो है डिस्प्ले के स्पेक्स अच्छे हैं, 90 हर्ट्ज जो रिफ्रेश रेट दिया गया है वो बहुत ही स्मूथ बना देता है डिस्प्ले वगैरह को। और अब बात आती है जो कि है इसका बैकअप वगैरह क्या देखने को मिल जाता है, तो उसमें भी जो है ये लीड कर चुका है, मतलब इसमें जो बैटरी दी गई है वो है हमारी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि सच में इस फ़ोन को एक बहुत ही कमाल का पैकेज बना देती है, मज़ेदार सा पैकेज बना देती है। और साथ ही सपोर्ट करता है आपका 33 वॉट का सुपर डार्ट चार्ज, जो कि आपके फ़ोन को 50 से 60 मिनट्स में जो है आराम से बहुत ही मज़े से चार्ज कर देगा, तो वो एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। और जैक वगैरह है तो सब कुछ डिटेलिंग हमें अच्छी देखने मिल जाती है। साथ ही मैट फिनिश का जो लुक दिया गया वो बहुत ही अच्छा, हाँ हल्का फुल्का फिंगरप्रिंट्स वगैरह के आपको फील होंगे जो है कभी कभी जो है टाइमली अगर पसीना वगैरह हाथ में हो जाता है, तो वो हमें देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो है डिस्प्ले अच्छा है, फंक्शनिंग बहुत ही स्मूथ है, कैमरे वगैरह बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं एक बजट सेगमेंट में। तो अब हम सामने आते हैं और बात करते हैं इसके प्राइसिंग वगैरह की और डिटेलिंग्स की। तो अब हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग वगैरह की, जहां पे इसकी जो प्राइसिंग निकल के आई है वो दो वेरिएंट है, जहां पे एक तो हमारा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आता है 17,999 रुपीज का, और जो दूसरा वेरिएंट है वो हमारा 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आ जाता है 19,999 रुपीज का। कमाल का है, बीच में इसकी इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, यहां कहीं पे भी नहीं मिल रहा था, सच में कमाल का एक बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रियलमी की तरफ से। और सच में रियलमी जो इधर में बहुत इंटरेस्टिंग जो है स्टफ्स लेकर आ रहा है और बजट सेगमेंट में लेकर आ रहा है, तो कमाल का जो है रिस्पांस मिल रहा है रियलमी की तरफ से। और बाकी जो है फोन में बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा है, बजट सेगमेंट में मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा फोन निकल के आता है रियलमी की तरफ से। तो यही था इस रियलमी 8S 5G के बारे में। बाकी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक थम्स अप लाइक जरूर से करिएगा, साथ ही आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो या रिगार्डिंग फोन या कुछ और भी टेक रिलेटेड, तो बिल्कुल बेचक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली सभी लोगों के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे की अपडेट आपको फटाफट से मिलते रहते हैं, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।